हेलो, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो जो भी टाइम हो रहा है अभी मैं देखता हूँ, आप गूगल से देखता हूँ टाइम। गूगल टाइम मैंने सर्च किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं टाइम 6:29 हो रहा है 8 अगस्त। और सुबह की मैं शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले मैं वोकैब ब्लैक बुक की उठाता हूँ, जो ब्लैक बुक की है। अभी मैंने अपडेटेड Feb 2021 की है, लेकिन बाद की मैं PDF रख लेता हूँ। इसके मैं शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी 1 वर्ड सब्सक्रिप्शन से शुरुआत करता हूँ, जिसमें मैं पहले क्या करता था 30-40 रिवीजन किया हूँ। उसके बाद मैं अब डेली 100 रिवीजन करता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम रिवीजन करता हूँ तो जैसे 100 पे ऐसे गोल कर दिया, फिर कभी डेट लिख दिया, कभी आर लिख दिया, अभी आर पे पेट फाड़ दिया, फिर कभी इधर गोल कर दिया या R2 लिख दिया। तो ये चीज़ें हैं जैसे मार्क्स लगाता हूँ कितने टाइम्स मैंने रिवीजन कर लिया है। तो फिलहाल टाइम है अभी इसको 100 टाइम्स करने का, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होती हैं। अभी 6:41 हो गया है। अब मैं उसके बाद मैं लेता हूँ idioms, वैसे ही सेम टू सेम जैसे मैंने आपको 1 वर्ड बताया वैसे ही मैं इसको भी रिवीजन करता हूँ। और मैं वैसे ही 100 अभी कर रहा हूँ, जैसे मार्क्स लगाता चलता हूँ कैसे कितनी बार मैंने रिवीजन कर लिए हैं। तो ये अब idioms की बारी है, लगभग 10-12 मिनट लगते हैं रिवीजन करने में एक सेक्शन। अब इसको करते हैं idioms को। idioms रिवीजन करने के बाद जो मैं नेक्स्ट वोकैब के लिए यूज करता हूँ, ये मैंने मॉडल सेट निकलवा रखे हैं, डे वाइज मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि जो मॉडल टेस्ट पन है, इसमें देखेंगे पहले तो आपको 10 सिनोनिम्स मिलेंगे, इसके आंसर में मिलेगा, हिंदी मिलेगा। और इसको याद करने का तरीका है कि मान लीजिए एक वर्ड कोई भी लीजिए, उसके साथ साथ आप इसमें इसके हिंदी अर्थ को भी लिखिए सही तरीके से। तो इसमें 10 सिनोनिम्स है, 10 एंटोनिम्स है, 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वर्ड्स हैं, और 10 idioms भी है, और 5 फ्रेजर वर्ड्स और 5 मिसस्पेल्ड। तो डे वन के लिए एक एक दिन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसके बाद मैं फिलहाल इसको रिवीजन करता हूँ, एक एक दिन में एक एक सेट को मैं इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करता हूँ। आगे देखते हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं टाइमिंग के हिसाब से। फिलहाल जो टाइम हो रहा है अभी 7:24 हो रहा है सुबह को, और मैंने सेट दूसरा जो सेट था आज मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। इसमें जो वर्ड्स थे उसको इसके हिंदी अर्थ दिए थे, इसका सिनोनिम्स के आंसर्स भी आपको दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने बस जो वर्ड्स नए थे, जो नहीं आ रहे थे, उसके भी अर्थ मैंने लिखे, ताकि ये वर्ड्स भी थोड़ा अच्छे से रिमाइंड हो जाए। तो इस पूरे सेट्स को मैंने आज एक बार तैयार किया। और अब मेरी बारी है, तो वो कैब के लिए मैं एक और चीज़ जो करता हूँ वो ये एक मैं नोट्स है, इसमें भी डेली वाइज है, लेसन टाइप दिया गया है। आप काफ़ी स्लो दिख रहा होगा, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप वर्ड्स देख सकते हैं, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हिंदी वर्ड्स। तीन तीन लेसन के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, जिससे प्रैक्टिस सेट सेंटेंस में एग्जांपल के तौर पे आपको मिल जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा है, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए मैं इसको भी प्रेफर करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम हो गया है 7:25, ठीक है। 1 घंटे वोकैब हो चुके हैं, लगभग आधे घंटे का वोकैब का सेशन और चलेगा। तो आइए देखते हैं। तब तक के लिए चैनल को जुड़े रहने के लिए पूरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे से आपको यहाँ पे कंटेंट देगा। फिलहाल जो टाइम हो चुका है 7:45, वोकैब का सेशन अब हम ख़त्म करते हैं। 2 एक्सरसाइज हमने किया, 28, 14, 4, 18, 2, 36 वर्ड्स मैंने आज इसको रिवाइज किया। अब मेरी बारी है इंग्लिश सेक्शन को हटाकर जीएस सेक्शन में करंट अफेयर देखेंगे। और करंट अफेयर के लिए मैंने 3 चीज़ें रखी हैं, ताकि चीज़ें छूटे ना कहीं से भी। ये जो अभी नई बुक आई है ल्यूटेरिया की, आप देख सकते हैं ये वाली बुक, ये 1.5 साल का कंप्लीट है। ये जो है पूरा 21 जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक इसको मैंने रीड भी किया है, ठीक है। इसको मैंने कुछ हद तक रीड भी किया है। उसके बाद ये देखेंगे 1 मार्च से 1 अप्रैल 2021 तक, इसको मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर लिया है। बाकी इसमें प्राइज वाइज अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको भी। अब मैंने ये नई बुक लाई है, ये 1.5 साल का जो बुक है, क्योंकि जो आपका CGL CPO जो एग्ज़ाम होने वाला है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो पूरा कंप्लीट ये जो बुक है वो जुलाई तक है। उसके बाद की मैं कुछ नई नई बुक जरूर आ जाएंगी। तो फिलहाल अब टाइम है इसके, अब करंट के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। 7:47 हो गया है, 12-13 मिनट की रेस्ट के बाद 8 बजे इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो आप
देखिएगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिलहाल जो टाइम हो चुका है 8:03 हो चुका है और अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हाल के एग्ज़ामों के लिए, जितने भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तो चलिए बनते रहिए, स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मस्त नहा धोवा के खा पी के आ गए हैं और अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:47 हो रहा है और इस समय तो मैं ऐसे में मॉक देता हूँ उसका एनालिसिस करता हूँ, लेकिन अभी घर पे आओ तो लैपटॉप नहीं आओ तो इसीलिए ये मॉक नहीं दे रहा हूँ। मेरा एवरेज चैप्टर सही से मैंने नहीं किया था तो ये सर से मैं फिर से कर रहा हूँ। मदर्स के सर है राजेश नेहरा सर है, आप लोग जानते होंगे जयपुर में इनकी कोचिंग है। पवन राव सर और नेहरा सर जो फाउंडर है मदर्स के, इन्हीं से ये मेरा भाई एक आईडी लिया था इनका, वो क्लास करता है उसी से मैंने उनकी आईडी ली। केवल एक दो चैप्टर मेरे बचे थे तो सोचे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। फिलहाल अभी मैं ऑनलाइन क्लास लेने जा रहा हूँ, आप इस समय टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप टेस्ट दीजिए, ये टाइम अच्छा होता है, नहा धोवा खा पी के टेस्ट दीजिए, फिर एनालिसिस करिए। तो फिलहाल चलते हैं क्लास देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फिलहाल इस समय मैंने 20 क्वेश्चन तक कर लिए हैं और 21वां क्वेश्चन चल रहा था और जो मेरा टाइम हो गया था वो हो गया है 12:22। ठीक है, 12:22 हो चुके हैं। तो फिलहाल ज़्यादा ऑनलाइन क्लास रिवीजन एक दो चैप्टर ही करना है तो धीरे धीरे वो हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, लाइट कट गई तो इसीलिए थोड़ा अंधेरा आ गया, बाकी आगे चलते हैं, बारिश आने लगी तो लाइट कट गई। आगे अब देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं, अगला पोर्शन क्या कुछ उठाने वाले हैं उसे भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे नाउन का प्रैक्टिस, आज सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास चैप्टर वाइज सीट है मदर्स एजुकेशन हब जो काम है जयपुर में, आपको पता होगा इसकी चैप्टर वाइज सीट है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए जैसे नाउन के हर एक चैप्टर के मेरे पास है, तो ये मेरे पास आपको दिखा दें। इसमें लगभग नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 770 क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड है, तो इससे नाउन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। कल से हम नाउन स्टार्ट किए हैं, कल मैंने एक 50 क्वेश्चंस का सेट लगाया था जिसमें मेरे गलती हुए थे, एक 11 नंबर, एक 13 नंबर और इधर हुआ था 43 और 45, चार क्वेश्चन इसमें गलती हुए थे और ये सेट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिलहाल ये रहा 1000 क्वेश्चन करीब में है, यहाँ पे 247 इधर भी है, इसको अलग है, यहाँ से एक नंबरिंग शुरू है। तो कल मैं यहाँ तक 50 क्वेश्चंस कर चुका हूँ, आज आगे करते हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं आगे देखते हैं। तो उसके बाद मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस फिलहाल करने जा रहा हूँ। फिलहाल जो हमारा पहला एक्सरसाइज नाउन का कंप्लीट हो चुका है जिसमें जो मेरे स्कोर बने 78/100। अब बात है मैथ की प्रैक्टिस की, तो अभी मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ, इन सर को आप जानते ही होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे, RBE रेगुलेशन इनका यूट्यूब चैनल है और एक तरीके से कहिए तो SSC इनसे ही पूछे कट ऑफ बनाती है, इनका कट ऑफ और SSC कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो फिलहाल अभी मैं घर पे आया हूँ तो ये लेकर आया हूँ कि CGL 2021 के सारे क्वेश्चंस प्री वाले कर लेने हैं घर पे ही, और ये CHSL 2021 के इंग्लिश की जितने भी सेट हैं उसको मैं लेकर आया हूँ, तो इन दोनों करते हैं बाकी देखते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से। अभी जो टाइम हो रहा है देखेंगे व्हाट इज़ द टाइम, ये देखेंगे ये आपका जो टाइम हो रहा है वो 8:33 PM हो रहा है। तो अभी मैं एक इम्प्रोबेबिलिटी स्किल है ये ITI का है, तो लास्ट ईयर का मेरा पेपर था ITI, तो उसको मैं फर्स्ट ईयर तो मैं प्रमोट हो गया था, लास्ट ईयर का पेपर है उसीलिए मैं घर आया हूँ, तो थोड़ा सा सोचा उसको भी देख लेता हूँ। आज पूरे दिन मैंने क्या कुछ चीज़ें की उस पर, कुछ चीज़ें स्किप भी हुई, यहाँ कुछ चीज़ें वेरी की हैं बाहर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ खाना बनाने का टेंशन नहीं था, खाना बना बनाया मिला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग हुई। जैसे सुबह आप वो कैप कर सकते हैं, GS पढ़ सकते हैं, मैथ्स कैसे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमने स्किप भी किया। तो ये तो था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए, होप करेंगे जैसे ही राह आ जाएंगे और अच्छे तरीके से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, और होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा, अच्छे को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि पूरी वीडियो बुक की लिस्ट कैसे क्या कुछ चीज़ें हैं CGL 2020 के लिए, तो मैं सारी चीज़ें आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ आपको कंटेंट मिलता है, जॉब अपडेट मिलता है, सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको दी जाती है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।